आया था उदयपुर का कुछ खास चीज़ों के बारे में। एक मैं इंसान से मिला जो कि मैं फर्स्ट टाइम देखा, आप लोग भी शायद जो लोग देखे होंगे वो ठीक है, जो लोग नहीं देखे होंगे वो फर्स्ट टाइम देखने वाले हैं। वो क्लिप मैं शेयर करने वाला हूँ। तो वो क्लिप ये है कि वो अपने हाथों से पत्थर के टुकड़े को एक भगवान के मूर्त में डाला। जैसे सबको बनाता है, अपने हाथों से ही बनाता है, बट मैंने लाइव देखा, क्या मज़ा आया यार। पूरा रोड के किनारे, ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं, एक छोटा सा दो तीन उसके पास था, कुछ छन्नी कुछ बोलते हैं उसको, तो बहुत सही बनाया था। और फिलहाल मैं आ गया हूँ इलाहाबाद, और ये है मेरा भाई जो बचपन से हम लोग साथ में बड़े हुए हैं, साथ पढ़े हैं, बहुत मस्ती है। मेरी टांग बहुत खींचता था और अभी भी खींचता है, तो मेरा टांग बहुत खींचता था। तो अभी हम लोग मिले हैं, अभी हमारे पास 7-8 दिन हम लोग बहुत मस्ती करने वाले हैं। सारा ब्लॉग दिखाएंगे आपको, क्योंकि बहुत दिन बाद मिलने के बाद फिर मज़ा ही कुछ और है ना। तो पहले वो क्लिप आप देख लेना जो मैं शेयर करने वाला हूँ, उसके बाद मैं आपसे लास्ट में मिलता हूँ। बहुत मज़ा आने वाला है, और हमारा घर थोड़ा रोड के किनारे, थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा। और अभी संगम का टाइम चल रहा है ना, संगम कुंभ मेला चल, तो कुंभ मेला चल रहा है, ये मुझे कुंभ मेला भी घुमाने वाला है, और साथ साथ आप लोग भी घूम जाओगे वीडियो के थ्रू, पूरा घूम लोगे, दर्शन कर लोगे कुंभ मेले के। तो चलो वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करते हैं, आप पहले वो क्लिप देख लो, उसके बाद फिर हम लोग लास्ट में। अब हमें पत्थर बता सकते, पहले कैसे होता है? ऐसे होता है, ये ऐसा होता है, ऐसे पत्थर से बनती है। कुछ लोग इधर से इसके ऊपर ये तेल लगाएंगे तो इसका कलर सेम ही आएगा। ये लगा नहीं, तेल लगा बैठो लगा बार 500 रुपया बाबा कब तेल लगा मर जाओ बेटा। ये देखो बाबू कैसा लगा मम्मी तुमको? ये हमको इतना अच्छा लग रहा ना, मतलब अंकल इतना अंदर बैठो ना, हाथ में ठोक ठोक के बना रहे थे। क्या क्या मस्त बना रहे हैं, तो ऐसे पूरा मतलब पत्थर है, इसको घिस कैसे बनाए क्या लोग मम्मी देखो गाइस, ये है आर्टिस्ट, इनको कहते हैं आर्टिस्ट। क्या सुबह से कर रहे हैं और क्या मस्त माइंड में इमेजिनेशन करते हैं, वो पत्थर में उतार देते हैं। हम लोग तो सिर्फ वीडियोस में लिप्सिंग करते हैं, बट ये तो अपने कौन से लोग धूप में है, वो दीदी ने लिया ना ऐसा ही सब वही ले लो, ठीक लग रहा है, एक ले लो ना। गणेश ले जाए से आपके पर फायदा होगा, किसी दिन नहीं आएगा। ओके तो चलो मैं भी एक ले लेता हूँ। अच्छा है ना, चलिए दे दीजिए बता, बहुत डर है। ये ना मम्मी को गिफ्ट करेंगे, मम्मी के लिए तो कुछ लिए नहीं, लेंगे मम्मी के लिए साड़ी, लेकिन मम्मी के लिए ऐसा एक चीज़ लेना जरूरी, क्योंकि मम्मी ये सब का बहुत अच्छा था, खुश हो जाएगी। और मैंने इस बार अपनी आंखों से देखा कि कैसे बनता, कैसे है, कैसे बनता है, आप लोगों को भी दिखाए कैसे बनता है। और क्या मज़ा आता है यार, क्या मेहनत करते हैं ये लोग, लाइव देख रहा हूँ मैं, तो लाइव देख रहा हूँ कि देखो कैसे बना रहे हैं, एकदम माइंड में इमेजिनेशन करते हैं, सीधा पत्थर पे उतार रहे हैं। पहले नहीं, हम मैंने और करण ने ले लिया है एक एक, भाई कदर करना पड़ेगा, 2 मिनट में कर देंगे। कलर नहीं बोले, कदर करना पड़ेगा, कदर ऑब्वियसली। यार कितने भी शर्ट ले लो, कितने भी जूते ले लो, या फिर कुछ भी ले लो,
शॉपिंग शॉपिंग होती है, हर जगह हो जाती है। ये चीज़ तुमको नहीं मिलेगी किधर, हैंडमेड ऐसी और इतने प्यारे तरीके से और ऐसी कला। वो तो नहीं दिया बड़ा वाला ना, हमारा 300 है, आपका 200 वाला। जो वही जो दे दो आपको, कोई बात। हाँ हाँ हाँ, जो आपने खुशी होकर दे दिया मेरे लिए बहुत है, भगवान सदा खुश रखे आप। चलिए थैंक यू सो मच। अच्छा थैंक यू, मिलते हैं आपसे। बहुत अच्छे कलाकार हैं आप। कहाँ के रहने वाले हैं? मुंबई से। मुंबई। और हम लोग बिहार से। अच्छा बिहार हमारे घर। देखो आंकल लिखा होगा तो आंकल चलिए सर मिलते हैं। थैंक यू। ओके दोबारा आना हो एकदम एकदम जरूर जरूर, जब भी उदयपुर आएंगे तो इधर इधर पक्का। बहुत अच्छा लगा इसीलिए। थैंक यू, चलिए बाय। ये भी सेम वाला है कुछ अलग अलग अंदर। चलिए तुम्हारे शॉपिंग के लिए आएंगे। चलिए तो गाइस कैसा लगा आपको, कैसा लगा? बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर है ना, बहुत मज़ा आया गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छी चीज़ें खरीदेंगे। ओके बाय, चलते हैं। अब मैं अपनी जगह शॉपिंग करते हैं। तो अभी आए हम लोग शॉपिंग करने के लिए, हम लोग उस दिन शॉपिंग नहीं किए थे, तो चलिए शॉपिंग करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। अबे जाओ ना, चलिए शॉपिंग करिए बोलते जाओ उसके साथ, आता हूँ ना बैग भर के। Stop this world from spinning. Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with. This life like kryptonite. And if you keep me close, every minute in this hourglass you hold. तो फाइनली हम लोग तिबेटियन मार्केट से एक जैकेट ले लिया है और मैं वो घर पे पहन के दिखाने वाला हूँ कैसा है, कमेंट से बताना आप लोग। और ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं कल दूसरे ब्लॉग के साथ। अभी मैं जा रहा हूँ वोटिंग करने।